लेकिन अचलपुर परतवाड़ा से के लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाना, हमारा सत्कार करना, ये इस बात का सबूत है कि इन ये कितने बड़े आशिक रसूल है। इन रिजवन में हमने कहीं ना कहीं देखा है कि बड़े बड़े लीडरान, जितने भी मतलब मुस्लिम लीडरान है या गैर मुस्लिम को तो बहुत दूर छोड़ देंगे अपन, मुस्लिम लीडरान भी आगे आने से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक खराब ना हो। आपके एसडीपीआई पार्टी जो है, तो आपको भी कहीं ना कहीं डर तो नहीं है क्या, तो आपके भी वोटिंग बैंक खराब हो जाएगा? देखिए, हमारी जो एसडीपीआई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। हमें किसी का खौफ नहीं है, ना हम शासन से डरते हैं ना प्रशासन से डरते हैं। हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान पे चलते हैं और संविधान पे चलवाते भी हैं। आप लोगों की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हो रही है तो भी सामने नहीं आ रहे? उन लोगों से मेरा यही कहना है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, तो संविधान के दायरे में रहते हुए अधिकारों का इस्तेमाल करके अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। ऐसे अब रामगिरी महाराज को अटैक नहीं करती है गवर्नमेंट, मतलब ये तो सीधा सा दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है ये, और आम पब्लिक को भी दिख रहा है कि जब सीएम उसके मतलब सपोर्ट में आ सकता है, तो इसके ऊपर मुस्लिम समाज का या आपके एसडीपीआई जो पार्टी आपकी है, एक्शन इसके बाद में क्या होगा रिएक्शन इसका? देखिए, हमारा तो हमारे महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है सैयद कलीम साहब, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम सीएम शिंदे के खिलाफ भी जो है हाईकोर्ट जाएंगे, तो हम सीएम शिंदे पर भी केस करेंगे, क्योंकि उसने एक असामाजिक तत्व को संरक्षण दिया है और वो महाराज की गिरफ्तारी के लिए हम फिर से रोड पर उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद उमर, आप सभी का मीडिया स्टार चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ में चाचा जुड़े हैं, यहाँ पे हम विषय पे बात करेंगे। आज जो इस तरीके से सत्कार लिया गया यहाँ पर, तो आपने सत्कार जिनका लिया उनका पहले तो नाम बताया हमें। रिजवान भाई, तो किस विषय में सत्कार लिया गया? इनका सत्कार हमको इसलिए लिए कि जो रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी की, उसके विरोध में हमको रोष था, लेकिन सारे सियासी लोगों के पास जाने के बाद में भी किसी ने उसका कोई सोल्यूशन निकालने की हमको सलाह भी नहीं दिया और कोशिश भी नहीं किया, और ये बोले कि भाई देखते आगे चल के अपन कुछ ना कुछ करेंगे, अभी माहौल शांत है, इसमें कुछ हस्तक्षेप करो मत। तो हमारे रिजवान भाई ने अमरावती शहर में उस पर रामगिरी पर महाराज पे FIR दर्ज कराए, और वो FIR दर्ज होने के उपलक्ष्य में हम उनका यहाँ पर इस्तकबाल करते तहे दिल से, और इनके साथ में हमारी दुआएं भी है, अल्लाह इनको हर मरहले में कामयाब करे। रिजवान भाई, आपने किस तरीके से मतलब आपका सत्कार हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जो हमने तो अमरावती में किया है, लेकिन अचलपुर परतवाड़ा से के लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाना, हमारा सत्कार करना, ये इस बात का सबूत है कि इन ये कितने बड़े आशिक रसूल है। इनके दिल में एक तड़प थी कि हमारे पैगंबर के शान में गुस्ताखी हुई है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जब हमने किया, अमरावती बढ़ने के मुसलमानों के लिए खुशखबरी, हमने जो FIR के लिए मांग की थी, तो आप लोगों की दुआओं से नागपुर के पुलिस स्टेशन में उस रामगिरी मनहूस के खिलाफ में FIR दर्ज हो चुकी है। FIR 19 अगस्त को ही दर्ज हो चुकी है, और उसमें जो कुछ कलमें छूट गई थी, जिसके हमने फिर से डिमांड की थी कि वो कलमें ऐड की जाए, तो वो कल 21 अगस्त रात 8:30 बजे वो कलम थी 192, 196, 197, 199, 302, 352, 353 और 356, ये कलमें उसमें और ऐड की गई है। तो ये हमारी जद्दोजहद अल्लाह ने कबूल की, और आप लोगों की दुआओं से जो है उस मलून के खिलाफ, मुस्ताफे रसूल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में अब अमरावती के मुसलमानों का भी हिस्सा लग चुका है, तो आपकी दुआएं हैं। तो इनके अंदर वो खुशी पैदा थी, खुशी हुई इनको, तो इसलिए इन्होंने हमारा सत्कार करने के लिए बुलाया। ईमान वाले का पहला तो एक ये रहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले उनकी जान को ईमान वाला वो शख्स होता है, लेकिन रिजवन में हमने कहीं ना कहीं देखा है कि बड़े बड़े लीडरान, जितने भी मतलब मुस्लिम लीडरान है या गैर मुस्लिम को तो बहुत दूर छोड़ देंगे अपन, मुस्लिम लीडरान भी आगे आने से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक खराब ना हो। आपके एसडीपीआई पार्टी जो है, तो आपको भी कहीं ना कहीं डर तो नहीं है क्या, आपने इस तरफ गए हैं तो आपके भी वोटिंग बैंक खराब हो जाएगा? देखिए, हमारी जो एसडीपीआई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। हमें किसी का खौफ नहीं है, ना हम शासन से डरते हैं ना प्रशासन से डरते हैं।
हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान पे चलते हैं और संविधान पे चलवाते भी हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम संविधान के दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। और हमें किसी का खौफ नहीं है, ना NIA से हम डरते हैं, ना ED से डरते हैं, ना हम किसी पुलिस डिपार्टमेंट से डरते हैं। हम ना कोई काम गलत करते हैं और ना कोई गलत काम बर्दाश्त करते हैं। रिजवान भाई, आप मेरे चैनल के माध्यम से मतलब उन मुस्लिम लीडरों तक या मुस्लिम समाज तक एक क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग मतलब इस तरीके से डर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हो रही है तो भी सामने नहीं आ रहे, तो उन लोगों को आप मेरे चैनल के थ्रू क्या बोलना चाहिए? उन लोगों से मेरा यही कहना है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, तो संविधान के दायरे में रहते हुए हमें जितने अधिकार दिए गए हैं तो हमें उन अधिकारों का इस्तेमाल करके अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। आप बिना मतलब मन डरिए, चाहे शासन हो प्रशासन हो, सारा जो है संविधान से एक बंधा हुआ है, यहाँ पे कोई मोकाट नहीं है, सबके ऊपर संविधान को दायरे में रहकर ही सभी को काम करना पड़ता है। हम भी अपना विरोध दर्ज कराए संविधान में रह के, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे नबी की शान में कोई अगर गुस्ताखी करता है, अगर हम इस्लामी हुकूमत में होते तो हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन हमको संविधान ने जो यहाँ पे अधिकार दिए हैं अपना विरोध दर्ज कराने का, तो हम बिल्कुल करा सकते हैं। हमको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, FIR करवानी चाहिए और जिस तरीके से निवेदन वगैरह देने चाहिए रोड पर आकर, बिल्कुल देना चाहिए। हमारा संविधानिक अधिकार है, हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम हमारे मजहब पर हमारे मर्जी से चल सकते हैं। और किसी, ये हमारा जो देश है ये धर्म निरपेक्ष है, इसमें हर मजहब के आदमी को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का और अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो संविधान के दायरे में रह के हम सब कुछ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में और कहीं ना कहीं शहरों के अंदर कई मुस्लिम समाज के लोग डर रहे हैं मतलब इस तरीके से भाई हम आगे आएंगे केस करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ हमारे पे कार्रवाई ना हो या मतलब सरकार हमारे खिलाफ ना जाए, उन लोगों को आप कैसा मतलब एक संदेश देना चाहेंगे क्या किस तरीके से वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए केस दर्ज करवा सकते हैं? देखिए, हम जो विरोध कर रहे हैं ये किसी समाज का नहीं कर रहे, सबसे पहली बात आपकी जहन में रखिए कि माहौल ख़राब होगा, माहौल क्यों ख़राब होगा, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं कर रहे ना। किसी ने हमारे धर्म के खिलाफ बोला है, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला है, हम उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, उसकी मानसिकता का विरोध कर रहे हैं, हम किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे, तो फिर ये माहौल कैसे ख़राब होगा? आप किसी भी अभी हमारे हिंदू भाई से पूछ लीजिए कि भाई फला महाराज ने जो है हमारे पैगंबर के बारे में ये बोला, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो खुद आपको बोलेगा कि उसने बहुत गलत बोला। ऐसा नहीं हमारे पैगंबर की इज्जत क्या दूसरे समाज वाले नहीं करते, हर मजहब का आदमी हमारे पैगंबर की इज्जत करता है और हर कोई यहाँ पे जो है एक दूसरे के धर्म की इज्जत करता है। कभी कोई आपने देखा कि कोई मुसलमान मौलवी जो है दूसरे धर्म के इनकी इंसल्ट करते हुए देखा है? आप नहीं करते, और कोई महाराज भी नहीं करता। असल में ये महाराज नहीं, ये पाखंडी है और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। 15 अगस्त को उसने बोला है, 16 अगस्त को CM शिंदे वहाँ पहुँच गए, तो ये क्या है? CM शिंदे उसको संरक्षण दे रहे, वो क्यों दे रहे? क्योंकि इस बार महायुति को जो है ना लोकसभा में बहुत नुकसान हुआ है, तो वो अभी महायुति जो है इसको बेस बनाकर दंगे करवा कर और मुसलमानों को रोड पे ला के दंगे करवा के केस लगा के ये विधानसभा को अपना उस पर लड़ना चाहते हैं दंगों की बेस। सर, मैं आपको भी पता होगा और बाकी जनता ने भी देखा है, क्या कहीं ना कहीं शिंदे ने ये कहा है मतलब अपने भाषण के CM शिंदे ने हमारे, क्या ये जो महाराष्ट्र है ये संतों की जमीन है, तो फिर ये संतों की जमीन है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उन्होंने सत्कार लिया बाकायदा उसका, उसके पक्ष में पूरी तरीके से है, तो फिर कहीं ना कहीं सलमान अजहरी भी तो कहीं ना कहीं संत माने जाते हैं, तो उनको आज 8 महीने हो गए, उनको क्यों जेल में बंद रखा गया? फिर एक हमारा सवाल है, एक आम जनता का सवाल है, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक आप मतलब सामाजिक कार्यकर्ता है। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है उनसे ये एक राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। आपने देखा होगा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वो सरकार के खिलाफ में लगातार बोल रहे थे, तो ये उनको बाकायदा टारगेट किया गया। ये सरकार का क्लियर है, महायुति जो NDA है इनका क्लियर है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा ये उसको उठा के जेल में डाल देंगे। जबकि आप देखेंगे जिस पर उन पर केस किया गया उसके अंदर उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला था, सिर्फ उन्होंने एक शेर बोला था और वो उसमें कुछ सरकार के खिलाफ में था। जबकि संविधान हमें अधिकार देता है, हम आलोचना कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में डाला गया। आप बहुत सारी मिसालें हैं, अब हमारे आजम खान साहब को ले लीजिए, दिल्ली के
जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब और जो उनके नेता है वो उनको ले लीजिए। आप यूपी बिहार में देखिए, यूपी में देखिए आप क्या हो रहा है मुस्लिम सियासतदानों के साथ में। तो ये क्लियरली है कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी बोलेगा वो जेल में जाएगा, चाहे वो अच्छा कुछ भी बुरा उसके इसमें ना हो। उसे ज़बरदस्ती क्रिएट कर कर फैब्रिकेटेड केस उस पर लगा कर उनको ज़बरदस्ती जेलों में रखा जाता है। और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको बाकायदा बोलने के लिए छूट दी जाती है। तो ये एक पॉलिटिक्स है, ये अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए हिंदुत्व को जो है प्रमोट कर रहे हैं, और जो उनके खिलाफ बोलेगा वो उनको जेल में डालता है। ये सरासर एक पॉलिटिकल स्टंट है। रिजवान भाई, कहीं ना कहीं अगर से अब रामगिरी महाराज को अटैक नहीं करती है गवर्नमेंट, मतलब ये तो सीधा सा दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है ये, और आम पब्लिक को भी दिख रहा है कि जब सीएम उसके मतलब सपोर्ट में आ सकता है, तो इसके ऊपर मुस्लिम समाज का या आपके एसजीपीआई जो पार्टी आपकी है कर्नाटक से जो मतलब है, तो इसका एक्शन इसके बाद में क्या होगा रिएक्शन इसका फिर? देखिए, हमारा तो हमारे महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है सैयद कलीम साहब, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम सीएम शिंदे के खिलाफ भी जो है हाईकोर्ट जाएंगे, तो हम सीएम शिंदे पर भी केस करेंगे, क्योंकि उसने एक असामाजिक तत्व को संरक्षण दिया है, और वो महाराज की गिरफ्तारी के लिए हम फिर से रोड पर उतरेंगे। ये हमारा क्लियर स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये थे हमारे साथ में रिजवान भाई, एसडीपीआई पार्टी से, अमरावती से। इन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से मतलब मुस्लिम समाज जो कहीं ना कहीं डर रहा है, कहीं ना कहीं खौफ है दिल के अंदर, छोटे छोटे ग्रामीण के अंदर केस नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बताया कि एक संविधान के हिसाब से अगर से कोई अपने इस्लाम के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में बोलता है तो उसको खुली आज़ादी दी गई है संविधान के अंदर कि वो केस दर्ज करवा सकता है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है विपक्ष ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था कि अब सत्ताधारी पार्टी ने इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इस तरीके से इसको बढ़ावा दिया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी इसका फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए था। आप देखने के लिए देखते रहे मेरे साथ मिडिया स्टार चैनल, कैमरा पर्सन सैयद नूर के साथ सैयद उमेर पुरातवाड़ा।